ये खुद ही खुद को करना होगा, खुद ही खुद को करना होगा कमी दूर कर अपनी सारी, खुद ही खुद को करना होगा कमी दूर कर अपनी सारी, हमको आगे बढ़ना, हमको आगे बढ़ना। नमस्कार सागर जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आपका सिलेक्शन असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए में हुआ है। तो पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी इसके लिए। थैंक यू वेरी मच आईसी जी। सागर जी, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, ये सब आप थोड़ा सा बता दीजिए। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा भिल्ली से भमरपुर वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई जो है सैनिक स्कूल ग्वालपारा असम से हुई है, वहाँ से मैंने क्लास 12 पास किया है और वहाँ से आगे बढ़ने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से दयाल सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मैंने क्यूरीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। इस दरमियान मैंने काफी एनडीए सीडीएस एपकैट इनका एग्जाम दिया और काफी सफलता भी पाई। मैंने एमए के दौरान ही जो यूजीसी के द्वारा कंडक्ट होता है नेट जेआरएफ उनका भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाला था और मेरा एमफिल में एक्चुअली में चयन हो चुका था। तो जिस ईयर मेरा इस प्रोसेस में चल रहा था एमफिल के शेड्यूल में उसी टाइम में जो है 2019 में मेरा जो है सीएपीएफ का जो रिजल्ट आ गया और मैंने उसको वहीं पे डिसकंटिन्यू कर दिया। तो यही मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जी। बहुत बहुत बधाई कि आप जेआरएफ भी क्वालिफाइड हैं। और मैं पूछना चाहूंगी, आपने सीएपीएफ की प्रिपरेशन करनी है, ये आपने कब सोचा, आपको क्या मोटिवेट किया कि आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन शुरू करें? बेसिकली मैं सैनिक स्कूल से बिलोंग करता हूँ और सैनिक स्कूल में एनडीए का एग्जाम हमने दिया था और जब मैं डीयू आ गया, दिल्ली आ गया, तो वहां भी मैंने एनडीए का प्रिपरेशन जारी रखा था लेकिन बार बार जो है एसएसबी में मैं कॉन्फ्रेंस में आउट हुआ था। उसके बाद जो है मैंने एपकैट का ही पेपर दिया था, वहां भी मैं आउट हो गया था एसएसबी में। उसके बाद मेरे मन में हमेशा ये ख्याल था कि सैनिक स्कूल ने जो क्वालिटी हमारे अंदर इंस्टिल की है उस क्वालिटी का एक प्लेटफॉर्म कहाँ पर मिलेगा और वो प्लेटफॉर्म अल्टीमेटली यूपीएससी सीएपीएफ में जाके मिला, जहाँ पर आपके पास सिविक ड्यूटीज भी है, जहाँ पर आपके पास मिलिट्री एटीट्यूड भी आपको शो करना है और जो मैंने कॉलेज के लाइफ में भी एनएसएस जो है नेशनल सर्विस स्कीम वहां से भी मैंने जो भी सिविक एटीट्यूड वहां से जो पाया था, एनसीसी से जो भी डिसिप्लिन यूनिटी ये सब पाया था, सबका कॉम्बिनेशन मुझे सीएपीएफ में मिला। और चूंकि ये ग्रुप ए डायरेक्टली अपॉइंटेड ग्रेजुएट ऑफिसर है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट है, यूपीएससी ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी सीएपीएफ में जाऊंगा। 2018 में दिया था लेकिन कुछ मार्क्स से मैं 2018 में सेलेक्ट नहीं हो पाया था, वहां भी मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं इसके लिए काफी प्राउड फील करता हूँ कि मैं यूपीएससी द्वारा कंडक्ट एग्जाम में सफल पूर्वक पास कर पाया। जी बिल्कुल, और आपकी बातों से मुझे एकदम, अपने दर्शकों को मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आप होप कभी मत छोड़िए, उनका एक बार रिजेक्शन हुआ पर वो फिर दोबारा गए और अब वो फाइनली इसमें सिलेक्टेड हैं जी। और आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सीएपीएफ के बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा ये एग्जाम इसका क्या पैटर्न है, क्या प्रीलिम्स इंटरव्यू क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे। अनलाइक एनडीए एंड सीडीएस, सीएपीएफ इज अ कंप्लीट डिफरेंट एग्जाम, बिकॉज ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सीएपीएफ जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आता है और यहाँ पे जो कंडक्ट एग्जाम होते हैं ये पर एसएसबी नहीं होती, यहाँ पे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंटरव्यू होता है। इनके 3 फेजेस होते हैं बेसिकली। फर्स्ट आपको जो है रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा जहाँ पर आपको प्री देने पड़ेंगे और उसी सेकंड टर्म उसी दिन आपको जो है रिटर्न एग्जामिनेशन में देना पड़ेगा और जो फर्स्ट पेपर है जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड होगा वो 250 मार्क्स का होगा जिसमें 125 क्वेश्चंस होंगे और उसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स ही मिलेंगे और जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपको एसे राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा जहाँ पर एसेस भी लिखने होंगे, आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन का अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको जो है ग्रामर में भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ग्रामर में एक्टिव पैसिव इंडक्टिव पीस सब आते और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है फिजिकल, फिजिकल भी आपको मेडिकल में वहाँ पे होगा वो भी आपको वहाँ पर पास करने होंगे और थर्ड स्टेज आता है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट इंटरव्यू। ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट इंटरव्यू का डिफर करता है, एनडीए और सीडीएस का एग्जाम भी यूपीएससी लेती है
लेकिन वो सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन लेती है जी। और इंटरव्यू यूपीएससी नहीं लेती, लेकिन जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है जो डायरेक्टर अपने डागो कहते हैं बेसिकली, तो इनको जो है यूपीएससी एग्जाम यूपीएससी के बोर्ड इनका इंटरव्यू लेती है, अनलाइक एनडीएन सीडीएस एंड एपकेट वेयर दे बोर्ड कंडक्ट द इंटरव्यू, वहां पे 5 डेज का इंटरव्यू होता है जो हमारे सब लोग जानते हैं जी। ओके, तो इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा मतलब आप इंग्लिश के इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ने की आवश्यकता है? अगर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का रिटर्न पेपर फर्स्ट पेपर की बात की जाए तो इसमें बेसिकली आपको जो यूपीएससी के प्रिपरेशन के जो बुक्स हैं बेसिकली, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, उसके बाद ज्योग्राफी के लिए हम लोग क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए खास करके माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू मैक्रो, माइक्रो इंफेसिस ज्यादा करता है यूपीएससी सिविल सर्विस में, लेकिन यहाँ पर माइक्रो जहाँ पे आपको इलास्टिसिटी के बारे में जानना पड़ेगा, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जानना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये डिफर करता है। और ज्योग्राफी में आपको जो है 12th आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, जो ब्रॉड अगर इन जनरल बात करें तो आपको सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ कि हाउ दे कैन गिव एग्जाम्स एंड क्रैक द एग्जाम्स, तो अगर मुझे से नॉर्मल एग्जाम की बात करें तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बनाइए, और जो है घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का पूरा सेट आता है, आई थिंक 1200 रुपीज का आता है, उसमें सारे सब्जेक्ट रहते हैं उनके, अगर वो एमसीक्यू बनाते हैं तो मोर देन 50% क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे, और अगर आप एनसीईआरटी की बेसिक जानकारी है तो आप कर पाओगे। लेकिन इसके सबसे इम्पोर्टेंट वाला बात है कि क्लास 9th, 10th, 11th और 12th, खास करके 9th और 10th का जो साइंस की बुक्स है उनको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं several times, not only in CAPF assistant commanding, but also in the NDA and CDS. वहाँ से direct question उठाते हैं, तरीके की line से वहाँ से question उठाती UPSC, और मुझे चूंकि हम लोग science background से थे तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं हुई। तो अगर conclusion कहा जाए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो जो UPSC की books है वो तो आप अगर लंबे time के लिए preparation कर रहे हैं तो आप उसके थ्रू पढ़ना चाहिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप घटना चक्र पढ़ लीजिए, और प्लस एनसीईआरटी की किताब 9th 10th पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, ये सब भी महत्वपूर्ण है फर्स्ट पेपर के लिए। सेकंड पेपर के लिए जो है आपको रिटन पार्ट स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिसमें आपको जो है जो विजन आईएस की आती है बुक्स बुकलेट आती है बेसिकली, जहाँ पर आपको डेली मंथली का करंट अफेयर्स आता है, वहां से आप जो टॉपिक जो जनरल टॉपिक्स हैं वहां से आप उठाइए, उसके जो फोर एंड अगेंस्ट दिए हुए होते हैं उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, और उस पॉइंट को आप जो वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे एसीज राइटिंग में हो या आप जो है फोर एंड अगेंस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर आप हो, या कुछ प्रकार का जो शॉर्ट एसे टाइप में आते हो, एसीज राइटिंग में तो इसका कोई उपयोग नहीं, लेकिन इंटरव्यू में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप विजन आईएएस के जो कंसेप्ट जो मंथली मैगजीन आते हैं उनको पढ़ रहे हैं, तो ये चीज आप कर पाओगे तो आपका जो रिटन पार्ट है वो आपका मजबूत होगा। तो मेरे अनुसार से तो विजन आईएएस अच्छा, हमने उसी से प्रिपरेशन किया था इसलिए मैं ये बात बता। जी बिल्कुल, आपने उससे प्रिपरेशन की और आपको सफलता मिलेगी। मैं जानना चाहूंगी कि असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन होने के बाद मतलब क्या बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा क्या ऐसा मोटिवेशन मिलता है वहां जाने के लिए, थोड़ा सा कुछ अगर आप राउंड ऑफ में थोड़ा सा बता पाएंगे। सैलरी तुम्हें अभी तक मिली नहीं तो मैं इसे जो हमारे सीनियर को मिली उसके अनुसार से मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले असिस्टेंट कमांडेंट जाने के पीछे मोटिवेशन नहीं है कि यू आर होल्डिंग 150 पर्सनल, जो 150 लोग हैं उनके आप लीड कर रहे हो, ये अपने आप एक मोटिवेशन फैक्टर है। सेकेंड जो है जो सैलरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये ग्रुप ए जॉब है यूपीएससी द्वारा, तो लेवल 10 की ये बेसिकली है, बेसिक पे इसकी 56,100 होती है, और प्लस जितने भी अलाउंसेस इसमें ऐड होके अप्रोक्स जहां तक मुझे लगता है 80,000 के करीब आपको इनिशियली मिल जाएंगे, लेकिन उसमें जब वो एनपीएस और बहुत प्रकार के जो भी जो है स्कीम्स वो कटेंगे तो अल्टीमेटली आपके इन हैंड सैलरी अगर मैं ट्रेनिंग में जाऊं तो 65,000 के करीब आपको मिलेगी। और टाइम तो टाइम टू टाइम आपका प्रमोशन भी होता रहेगा, आप असिस्टेंट कमांडेंट है, सेकंड इन कमांड बनेंगे, डिप्टी कमांडेंट बनेंगे, डीआईजी बनेंगे, और थोड़ी सी प्रोसेस स्लो है बट
ये जो है काफी मोटिवेशनल है, अगर आप इसे अच्छे से वर्क करोगे निश्चित तौर से सही टाइम पे आप सही होकर सही अच्छे से प्रमोट होकर आप अच्छे पोजीशन पे जा पाओ। आपने सागर जी क्या टाइम टेबल फॉलो किया था? ऑब्वियसली एग्जाम थोड़ा सा कठिन है क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे? आपकी क्या दिनचर्या रहती थी सुबह से उठने के बाद रात तक कैसे आप फॉलो करते थे? जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं सैनिक स्कूल से बिलोंग करता था, और सैनिक स्कूल की जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर भी इनबिल्ट है। तो सैनिक स्कूल में 5 o'clock उठाते थे, हम भी आज भी 5 o'clock उठते हैं, और हमारा ब्रेकफास्ट वही 7 o'clock को होता है। और उसके बाद जो है, चूंकि मैं जिस समय एमए कर रहा था उसी समय मैं ये पेपर दिया था, तो मेरी जो क्लासेस भी होती थी तो हम क्लास के लिए जाते थे, वहां पर ड्यू में लाइब्रेरी होती थी, तो आफ्टर 1 o'clock या 1:30 जब मेरा वो क्लासेस खत्म हो जाते थे तो हम लोग वहीं बैठ के पढ़ लेते थे, और उसके बाद पढ़ने के बाद फिर वापस घर आ जाते थे। और घर पे आकर जो है, चूंकि थोड़ा सा हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ट्यूशन हम लोग को करना पड़ता था, तो हम लोग, मैं पार्टिकुलरली जो है क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे को जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसको मैं पढ़ाता था, उससे जो है हमारा जो नॉलेज है वो काफी इनरिच होता था। और रात में जब वो सब शेड्यूल खत्म हो जाता तो रात में जो है करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ लेता था। तो एज सच जो है स्ट्रिक्ट रूटीन मेरा कभी नहीं रहा, लेकिन जो सैनिक स्कूल की रूटीन है, जो टाइम टेबल है, उस रूटीन को मैं फॉलो करने की कोशिश करता था, अभी भी करता हूँ, और बच्चों को पढ़ाता था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जिसके कारण मुझे कभी इंटरव्यू में दिक्कत नहीं हुई। और इंटरव्यू के लिए हम लोगों बेस काफी स्ट्रांग रहा जी, बेसिकली मेरा बेस काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा, सैनिक स्कूल से हम लोगों ने पढ़ाई की थी, और उसके बाद जो है ड्यू से भी अच्छे क्रेडिबल कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे अच्छे प्रोफेसर से आप कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज ब्रॉड होता है। मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पे था, आईआर और पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली मेरा गुड था। तो इन टोटल कहने का मतलब है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्ट्रिक्ट टाइम टेबल तो कुछ नहीं है, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो स्मॉल प्लान बना के स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके आप उस पर बढ़ते जाओ। सडनली जो है 8 hours नॉट पॉसिबल, आप 2 hours स्टार्ट कर सकते हो, 3 hours, 4 hours, 5 hours। ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम लोगों ने जो इसमें सफलता पाई, हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं ग्रुप मेंबर्स थे जो सीएपीएफ की तैयारी कर रहे थे, उसमें बेसिकली थे 8 groups, 8 members थे, और आपको मुझे बताकर काफी खुशी होगी कि 8 members में हम लोगों ने 4 members जो है सीएपीएफ 2019 में सेलेक्ट पाया था, और अभी भी 4 members जो है उन्होंने फिर से एग्जाम दिया और अभी वेटिंग कर रहे हैं, अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं, कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया, वेटिंग लिस्ट रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अभी भी 4 members ऐसे हैं जो रिजर्व लिस्ट में आने के उनके चांसेस। तो इनके सफलता के पीछे सिंपल से कारण है कि हम लोग रात के 8 बजे और कभी 9 बजे जो है व्हाट्सएप ग्रुप कॉल करते थे, और हम लोग एक दूसरे के इंटरव्यू लेते थे, और उनसे फिर हम लोग की जो कमी है वो डिस्कस, सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया था। इसलिए मुझसे अगर पूछा जाए कि आपने कहीं प्राइवेटली कहीं से प्री इंटरव्यू कहीं दिया कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो मैं तो नहीं दिया था, क्योंकि हमारे दोस्त ही अच्छे थे, तो इसीलिए मतलब दोस्त के साथ रहने पे बहुत बेनिफिट होता है। मतलब मैं ये समझूंगी इस बात से कि आप किस सर्कल के साथ हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल टाइम। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आपने इतना टाइम पढ़ाई की सब कुछ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने थोड़े संघर्ष, कुछ चुनौतियों का सामना जरूर किया होगा, तो आप थोड़ा सा बताइए कि क्या चुनौतियां हैं जो आपको फेस करनी पड़ी है। पर्सन जो बिहार से बेसिकली आते हैं और उनके लिए सबसे फर्स्ट जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होते हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ट्यूशन किया जी। उनके बाद जो है मोस्ट हमारे साथ जो टाइम वेकिंग सवेरे उठना ये सब टाइम टू टाइम वर्क करना ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहा क्योंकि मैं सैनिक स्कूल से था और ये हमारे लिए इनबिल्ट था। पढ़ाई करने का जहाँ तक इंटरेस्ट रहा वो हमारे पास था क्योंकि हमने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी, ड्यू से भी, ड्यू में मैं दयाल सिंह कॉलेज से पढ़ा था और तीनों ईयर मैंने दयाल सिंह कॉलेज में टॉप किया था, फर्स्ट ईयर भी टॉप किया था, सेकेंड ईयर भी टॉप किया था और थर्ड ईयर भी टॉप किया था, तो वहां से पढ़ने का तो था, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, ऑब्स्टिकल है, वो थोड़ा सा परेशान करता था, उसके लिए हमें ट्यूशन पढ़ना था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी, बेसिकली मैंने तो कभी हार नहीं मानी, हमारे दोस्तों ने भी हार नहीं मानी, और आप
जो हमारे जूनियर्स हैं उन्होंने भी काफी हार नहीं माने, उन्होंने भी काफी सफलता पे। तो मैं यही कह रहा हूँ चुनौतियों से जो बेसिकली सबकी प्रॉब्लम जो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और खुद का मोटिवेशन है। मोटिवेशन हम लोग के पास इसलिए था क्योंकि हम लोग को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना था और हम लोग शुरू से जो है बाहर रहे हैं, और इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि एक मोटिवेशन फैक्टर था कि किस प्रकार से अपने फैमिली को आज इस पोजिशन पर उससे ऊपर देके जाए और उसके लिए वर्क करना पड़े, यही एक मोटिवेशन वाले फैक्टर। आपको इन टाइम में कोई गाइडेंस, कोई मेंटरशिप, या आपने खुद ही सेल्फ सब किया है या आपको किसी की गाइडेंस थी? बेसिकली मैंने अभी तक, मेरी यही एक अच्छी क्वालिटीज भी रही है कि मैंने अभी तक सेल्फ स्टडी की है, क्लास सिक्स से लेकर एमए तक और इवन ये एग्जाम पास करने तक मैंने कभी भी किसी से कोचिंग नहीं ली, कभी किसी से ट्यूशन नहीं लिया, ना कभी कोचिंग है। हाँ, एक चीज जरूर रहा कि जो ग्रुप सर्कल है उसमें मैं हमेशा रिवॉल्व करता रहा, देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। जब अगर मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं कभी लक्ष्मी नगर चला जाता था, वहां पर प्रवीण, मुकुंद, ये लोग को पढ़ते देखता था, तो फिर वापस आता था तो खुद से मोटिवेशन मिल जाता। मेरे एक जूनियर थे सुमित, उन्होंने क्लैट निकाला था तो ऑटोमेटिकली खुद अवेयरनेस जग जाता है, मोटिवेशन जग जाता है कि मुझे उसको क्लियर करना है। उसके बाद जो है प्रवीण को भी देखता हूँ, स्ट्रगल वो करता था तो उससे मुझे लगता था कि नहीं स्ट्रगल करते रहना चाहिए, तो वो हमेशा लगा रहता। मुकुंद, मेरा जब इंटरव्यू नहीं हुआ था उससे पहले मुकुंद का क्लियर हो गया था आईएएस, तो उन्होंने, उनको भी मैं देखता था कि एक इतने कम एज में कितना मतलब वर्क करके, कितना मोटिवेशन करके उन्होंने क्लियर किया है, तो वहां सबसे काफी मोटिवेशन। तो मुझे एज सच मोटिवेशन लेने के लिए कहीं दूर तो जाना नहीं पड़ा, हम लोग आपस में ही मोटिवेशन ले लिए, दोस्तों को देखा। मेरे दोस्त जो मेरे रूममेट थे वो जो है जेएनयू से पीएचडी कर रहे थे, तो उनको मैं देखा कि वो किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, तो मैं भी उनके साथ थोड़ा सा लग गया, तो इस प्रकार से हमने जेआरएफ निकाल लिया। तो मतलब इन टोटल कहने का मतलब है कि वो लोग भी हमसे मोटिवेटेड हुए होंगे, इन टोटल हम भी उनसे काफी मोटिवेटेड हुए, तो ये एक प्रकार से बोथ साइडेड गेन था हम सबके लिए। जी सर, जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आया, जब आपने पीडीएफ में अपना नाम देखा, जब आपको पता लगा कि आप फाइनल सिलेक्ट हो गए, क्या आप फील कर रहे थे उस समय, क्या आपकी फीलिंग थी, कौन से आसमान पे आप थे उस दिन? जिस समय रिजल्ट आया था, बेसिकली आई थिंक 4 फरवरी 2021 को रिजल्ट आया था, और उस समय मैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने के लिए पटना गया हुआ था जी। और मैं एक काम देके वापस आया था, दोस्तों के साथ घूम के वापस आया था, तो जब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अचानक जो है 2-3 मैसेज आए थे, एक सचिन कुमार मेरे सैनिक स्कूल के जूनियर, उन्होंने मैसेज किया था कंग्रेचुलेशन दा। उसके बाद मेरे जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप थे जो हम लोग सीएपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें भी लिखा हुआ था कंग्रेचुलेशन सागर, तो मुझे समझना कि मैं सोचा कि कंग्रेचुलेशन लोग क्यों बोल रहे, मुझे तो कुछ किया नहीं। तब मुझे पता चला कि शायद सीएपीएफ का रिजल्ट शायद निकल गया है, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि, मुझे पता था कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो पेपर है और इंटरव्यू जो बोर्ड थे उसमें उतना अच्छा इंटरव्यू तो मेरा नहीं गया था, लेकिन जो है मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि मेरा नाम रिजल्ट में आएगा, लेकिन फिर भी जब मैं देखा कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज तो काफी ज्यादा मतलब हाथ पर रहा। मैं सोचा कि पहले लोगों को बताओ कि पहले मैं खुद से चेक करूँ, मैंने पहले खुद से चेक किया, और उस समय वो एनआईटी पटना था, एनआईटी पटना के बगल में मेरा रहा था, तो वहां पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशूज हुआ था, तो थोड़ी सी देर के बाद नेटवर्क आया, और फिर मैंने ऑन किया, पीडीएफ डाउनलोड किया, फिर अपना नाम सर्च किया, तो मैंने देखा सागर कुमार मिश्रा तो है। अब मुझे पहले रोल नंबर नहीं पता था, अब मैं सोचा कि मैं रोल नंबर ही मैच कर लेता हूँ, रोल नंबर मैंने मैच कर लिया, तब मुझे हुआ कि नहीं। और मेरे भैया चूंकि मेरे लिए काफी कॉस्टलेस थे, और मेरे पापा के देहांत के बाद उन्होंने ही सब कुछ हम लोगों को किया है, तो अब मैं सोच रहा था कि मैं भैया को घर जाकर बताऊं कि भैया को फोन से बताऊं, तो उसे रहा नहीं गया और मैंने फोन नहीं कर दिया, तो अल्टीमेटली मुझे वापस पटना से दिल्ली जाना था, पटना से मैं बिहार आ गया, मतलब भागलपुर आ गया, तो मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, लेकिन खुशी जो थी उसका लिमिट ही नहीं था, मैं लिमिट ही नहीं बोलूंगा, और मैं नहीं बोलूंगा मैं आकाश में था, क्योंकि आकाश का कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है इसका लिमिट हो, और शायद आगे और मुझे कुछ और वर्क करने के लिए मोटिवेट करता रहे। आपको देश के लिए जो यूनिफॉर्म आप पहनी होगी उसके लिए क्या क्या एहसास है आपको? पार्डन प्लीज, आपको देश के लिए अब यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगी,
तो वो क्या एहसास है आपका उसके लिए? जब मैं क्लास सिक्स में था उसी समय से मैं यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल में था और यूनिफॉर्म जो है हम लोग का डेली रूटीन था, लाइफ का हिस्सा था, और वो यूनिफॉर्म पहन के हम स्कूल जाते थे और स्कूल से आते थे, एनसीसी का यूनिफॉर्म पहनते थे और जाते थे आते थे, तो यूनिफॉर्म पहनकर मुझे काफी अच्छा लगता था। इसलिए जब मैं सैनिक स्कूल से वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी आया और वहां पर मैंने जो सिविक लाइफ देखा, सिविल लाइफ, तो मुझे वहां पर अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि बाय हुक और क्रूक, बाय एनी मेथड, मुझे जो है एनडीए क्लियर करना चाहिए, मुझे सीडीएस क्लियर करना चाहिए, मुझे एपकट क्लियर करना चाहिए, ताकि वहां के जो लाइफ है और जो मैंने इनबिल्ट लाइफ मतलब पाया है सैनिक स्कूल से, वो दोनों लाइफ। इससे मैं ये सोच रहा था कि मुझे इस लाइफ को पाना है, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि फाइनली मुझे जो है बीएसएफ की वर्दी मिलने वाली और मैं 28 फरवरी को जाऊंगा और वही वर्दी, वही स्टार्स जो सैनिक स्कूल में लाइफ में जीता था वो दोबारा मुझे फिर से वापस मिलेगा। बहुत अच्छा सागर जी, आपकी जर्नी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी और मैं आशा करती हूँ कि मेरे सारे दर्शकों को भी बहुत इंस्पायरिंग लगेगी। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि जो हमारे दर्शक आपका ये इंटरव्यू देखेंगे, आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, जो भी इस चीज की तैयारी कर रहे हैं उनको आप अपनी तरफ से कुछ दो लाइन बता दीजिए। मैं उनके लिए दो लाइन यही कहना चाहूंगा कि एक छोटा सा पोयम जो मुझे काफी पसंद ही रहा है और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि खुद ही खुद को पढ़ना होगा, खुद ही खुद को पढ़ना होगा, कमी दूर कर अपनी सारी, खुद ही खुद को पढ़ना होगा, कमी दूर कर अपनी सारी, हमको आगे बढ़ना हो, हमको आगे बढ़ना, हिम्मत कर हमको आज ही पहला कदम बढ़ाना हो, हिम्मत कर हमको आज ही पहला कदम बढ़ाना होगा, अगर सपनों को पाना है, अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा, अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा, बातों से ना बात बनेगी, बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा, बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा, अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा, तो यू नीड टू क्रॉस द लिमिट, अगर आपको कुछ पाना है तो यू नीड टू क्रॉस द लिमिट, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक बार बता दूं, जब मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा था तो मैं 1 मीटर भी नहीं कूद पाता था, लॉन्ग जंप में नहीं कर पाता था और मैं उतने रनिंग भी नहीं कर पाता था जो सैनिक स्कूल था, लेकिन चूंकि ड्यू में रह गया तो फिर पता नहीं चला, लेकिन जो मेरे ब्रदर सिला उन्होंने कहा कि तुमको अपने लिमिट को पार करना पड़ेगा, जब तुम थक जाओ उसके बाद से जब तुम रनिंग करोगे समझना वही तुम्हारी स्टेमिना है, तो मैंने उस लिमिट को क्रॉस किया और मुझे जानकर अपने आप में बहुत खुशी होती है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लॉन्ग जंप भी पार कर गया और जो है रनिंग भी पार कर गया। वहां के कमांडर ने कहा कि तुम बहुत अच्छे रनर हो, जब वो ट्रेनिंग ले रहे थे उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे रनर हो, क्योंकि जब मैं फर्स्ट राउंड लगाया था तो बहुत पीछे था और सेकंड राउंड लगाया तो सबसे आगे हो गया, तो इसी कारण से वो हमको बोले कि मेरे पास आके वो खुद बोले कि यू आर ए गुड रनर, सी ही इज ए गुड रनर, पूरे बैच में जब उन्होंने ये बात बोला तो मुझे काफी अच्छी लगी इस बात। तो मैं ये समझती हूँ कि आपकी इसी चीज से मैं कहना चाहूंगी कि आप कितना भी पीछे शुरू करें पर अंत में अगर आप आगे हैं वही मैटर करता है। तो धन्यवाद सागर जी, आपका हॉबीज क्या थी, मतलब मैंने पढ़ाई तो खूब सुना आपसे, आपकी हॉबीज क्या थी, आप क्या करते थे फ्री टाइम में? मेरा जो हॉबी था वो बेसिकली वॉलीबॉल खेलना भी रहा है और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी रहा है, इसी राइटिंग भी रहा है और मैंने काफी प्राइजेस भी पाए, इंडिया सिटीजन भी मैंने जीती है काफी ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में मैं बेस्ट डिबेटर भी रहा था, जब एनआईसी कैंप केरला गया था कोलम तो वहां पे मैंने एनआईसी कैंप में बेस्ट डिबेटर इन सीनियर डिविजन ऑल ओवर इंडिया। सागर जी मैं जानना चाहूंगी कि आप लास्ट में हमारे दर्शकों को कुछ अगर बताना चाहें तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। मैं अपने साथियों को और अपने से छोटों को यही बताना चाहूंगा कि लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस उनके लिए अपने निरंतर प्रयास करते रहें। ठीक है सागर जी, थोड़ा शायद कुछ दिक्कत हो रही है और इंटरव्यू का हमारा टाइम खत्म हो रहा है,
तो मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी आपके सिलेक्शन के लिए और आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद करना कि आप करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने हमें अपनी जर्नी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये थे सागर मिश्रा हमारे साथ, असिस्टेंट कमांडेंट। ये उन्होंने आज अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की है और काफ़ी इंस्पायरिंग है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को उनसे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप भी अपनी ज़िंदगी में सफलता पे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। My dear friends, if you want to share your stories of success or creativity or anything that you think can inspire and motivate the people, then please do share with us. We will publish the same on our YouTube channel, The Mind Power. If you like our videos, please do like, comment, share, subscribe, and do not forget to hit the bell icon so that you get notification when our videos are uploaded. Thank you.